शेख निसारुद्दीन। कौन से स्कूल से अपने पढ़ाई मुकम्मल की? बालासोर जिला स्कूल से। उसका कौन से कॉलेज में हायर एजुकेशन हासिल किया? रामारानी इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये अचानक जो है पढ़ाई का लाइन छोड़कर बॉडी बिल्डिंग में जो है रुचि किस लिए, मतलब किसको देके आइडल बनाए, क्यों आए? ये मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग से पहले से थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग लाइन को लेके शौक था स्पोर्ट्स लाइन पे। जब मैं देखा कि हमारे बालेश्वर में बहुत कम हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग लाइन पे, तो मेरे को देखा बहुत साल पहले मैं देखा था अपने मुश्ताक भैया को जो है ना बॉडी बिल्डर, उनको देखा हुआ था, तो उनसे मेरे को थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। तो मैं अपने आप को 2019 में बॉडी बिल्डिंग लाइन पे लेकर आया और इसी दौरान अभी भी चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आइडल आप मुश्ताक, बालेश्वर का जो हीरो है कहा जाएगा बॉडी बिल्डिंग लाइन में, मुश्ताक जो पूरे इंटरनेशनल खेले हैं उनको आइडल बना रहे हैं। जी जी जी। तो ये इस लाइन पे आने के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, आपको ट्रेनिंग बाकायदा तौर पे किसने दिया, क्या था? घर पे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, पापा बहुत सपोर्ट किए, मम्मी बहुत सपोर्ट की, फैमिली से लेके रिलेटिव बहुत सपोर्ट किए, और मेरे ट्रेनर जो हैं अनीस दास वो भी बहुत मेरे साथ मेरे पीछे लगे। उनको अभी देखा जाए तो मेरा फिगर जितना भी बना है अभी तक सबसे बेस्ट रिजल्ट अनिल भैया के वजह से हुआ है, और इंस्पिरेशन मुश्ताक भाई भी मेरे को दिए हैं बहुत ज़्यादा, मेरा हेल्प किए हैं हर चीज़ में, सब चीज़ में मेरे को सपोर्ट किए हैं, कभी डीमोटिवेट होने नहीं दिया, हर टाइम मोटिवेशन ही दिए हैं। तो मैं बस ये लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे को जितना तक पहुँचाए हैं ये लोग, बहुत है। तो इस वक्त जो है 2019 से आपने शुरुआत किया था, अब तक जो है कौन कौन से कॉम्पिटिशन में आपने हिस्सा लिया, कहाँ कहाँ गए हैं, कौन कौन से अवार्ड आपने अपने नाम किया है? जी, मैंने मिस्टर वेस्ट बंगाल का कॉम्पिटिशन खेला था, उसके बाद मिस्टर बालासोर में मैंने चैम्पियनशिप हासिल किया था मेंस फिजिक में, उसके बाद मिस्टर बाघा ज्योतिन का चैम्पियनशिप भी लिया हूँ, मिस्टर ओडिशा में भी मेरा पोजिशन है, और अभी यूनिवर्स के लिए भी तैयारी चल रहा है और नेशनल के लिए भी तैयारी चल रहा है। तो इस वक्त हमने सुना कि आप जा रहे हो 13 तारीख को, 13 अप्रैल को जा रहे हो, आप पुणे जा रहे हो, महाराष्ट्र जा रहे हो, और वहाँ पे है नेशनल इंटरनेशनल दोनों खेलोगे, कितना खुशी महसूस कर रहे हो, ये कैसा आपको दावत जो आया है, किस तरह आया है? खुशी तो बहुत महसूस हो रहा है कि ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, और मेरे पापा जो हैं इसके पीछे बहुत सपोर्ट किए हैं मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना कम एज में मैं इतना दूर का खेलने जा रहा हूँ वही बहुत बड़ी बात है। और ये गेम्स का मेरे को नोटिस, कहाँ जा रहे हो खेलने? ये मैं महाराष्ट्र खेलने जा रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र शिवाजी छत्रपति कॉम्प्लेक्स में होगा ये प्रोग्राम 15 से लेके 19 अप्रैल तक। मतलब क्या खेल होगा, इंटरनेशनल है या इंटरनेशनल? मिस्टर यूनिवर्स गेम होने वाला है, 15 को वेट होगा, 16 को प्री जजिंग और 17 को फाइनल राउंड, और 18 को जूनियर नेशनल, 19 को सीनियर नेशनल। उसके साथ ये जो मिस्टर यूनिवर्स है वो वर्ल्ड वाइड है, बाहर से भी प्लेयर आएंगे, हम लोग के इंडिया के रहेंगे, हर चीज़ हर जगह से आएंगे, वही बहुत बड़ा बात है कि इंडिया के, मैं लाइफ में कभी इतना बड़ा कंपटीशन खेला नहीं, फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, मेरे को बहुत खुशी लग रहा है कि मैं बाहर के कॉम्पिटिशन के, बाहर के फॉरन के बिल्डर लोग के साथ भी मैं कंपेयर करूँगा, उन लोग के साथ खड़ा होने का ताकत करूँगा अपना। बालासोर से और कौन जा रहे हैं आपके साथ? बालासोर से मैं जा रहा हूँ, मुश्ताक भाई जा रहे हैं और कार्तिक सर जा रहे हैं। तो कौन कौन, मतलब वहाँ हिस्सा कौन कौन लेगा, आप और हम और मुश्ताक भाई यूनिवर्स खेलेंगे, और ये मुश्ताक भाई नेशनल भी खेलेंगे, हम भी नेशनल खेलेंगे दोनों। तो ये जो मतलब आपको जो दावत आया है वहाँ से, इनविटेशन आया है, किस द्वारा आया है, कैसे आया है, आपको क्या कहोगे? ये दावत जो आया है हम लोग को, ये वर्ल्ड वाइड गेम का नोटिस आया कि जिसको पार्टिसिपेट करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो हम इसमें इंटरेस्टेड हुए और रजिस्ट्रेशन किए। उम्मीद क्या रखते हो, क्योंकि इतना जो है यहाँ से बालेश्वर से जाओगे, बालेश्वर के शान बनोगे, तो क्या उम्मीद लेके जा रहे हो, किस तरह का लौटोगे? उम्मीद तो है कि वहाँ से एक मेडल जरूर लेके आएंगे, लेकिन हमारे तरह हर बंदे जो है उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं आगे की, हम यहाँ पे बालेश्वर खाली हाथ नहीं लौटेंगे, जरूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेकर आएंगे बालेश्वर के लिए। बालेश्वर के लोगों को क्या गुजारिश करोगे, अपने
आप तो अपने काबिलियत पे दम तो रखोगे, लेकिन बालासोर वालों को क्या कहना चाहोगे? बालासोर वालों को बस इतना बोलना चाहते हैं कि बस मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे को जहाँ मैं जहाँ सपोर्ट कीजिए, दुआ कीजिए और मेरे को मुकाम हासिल हो, वहाँ पे जाके मैं बालासोर का अच्छा नाम रोशन करें। बालासोर का नाम रोशन करूँ और अच्छे से अच्छा कंपेयर करूँ, सबके साथ बीट करूँ वहाँ पे और गेम को अच्छे से फिनिशिंग दे कर आऊँ। अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शेख बलालुद्दीन, मेरा घर होता कादरी मोहल्ला बालासोर। सर आज जो है बहुत खुशी की बात है कि अभी फिलहाल जो है आपका बेटा जो है स्पोर्ट बॉडी बिल्डर में जो है अपना नाम रोशन कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि बालासोर से वो निकलकर बालासोर का नाम रोशन करने के लिए, ओडिशा का नाम रोशन करने के लिए पुणे जा रहा है। कितनी खुशी और कितनी मुशक्कतें इसके दरमियान आपने देखा है? मैं तो देख रहा हूँ, बहुत खुशी लग रहा है मुझे जो मेरा लड़का बालासोर से जा रहा है और बालासोर का नाम करके जैसा रोशन करेगा, यही उम्मीद है वो जैसा जाके बालासोर का और कादरी मोहल्ला का नाम रोशन करके आएगा। जब वो पहला पहला जब मतलब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब इस लाइन पे आया, तो क्या लगा आपको कि नहीं बेटा को सपोर्ट करनी चाहिए? जिस तरह आप, हमने देखा कि आप हर पल सपोर्ट करते हैं, किस तरह महसूस किए पहली फुर्सत में, किस तरह सपोर्ट आपका रहा है? पहले तो मेरा सपोर्ट नहीं था, तो मैं देखा बहुत मेहनत कर रहा है और पहला जब स्टेज गया, जाने के बाद मुझे बहुत खुशी लगा जो ये बहुत मेहनत कर रहा है, ये आगे में कुछ बनेगा। तो उसी चलते जब मैं और उसकी मम्मी दोनों सपोर्ट करे तो मैं देखा जो बहुत आगे बढ़ने लगा, तो मुझे बहुत खुश हुआ। मैं बोला चलो आप इसको फुल सपोर्ट करो तो आगे जाके ये हम लोग का नाम रोशन करेगा। बहुत सारा उसने गेम खेला है, बहुत सारे मतलब प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जैसे वेस्ट बंगाल चैंपियनशिप में, बाकी स्टेट लेवल में भी खेला है, तो बहुत सारे इनामात भी लेके आया है उसने वो। तो ये आप मतलब क्या कैसा लग रहा है कि वाकई पुणे से जो है वो वाकई चैंपियनशिप कुछ लेके आएगा या ट्रॉफी लेके आएगा? मुझे तो उम्मीद है मिस्टर यूनिवर्स खेलेगा, सिर्फ ओनली एक्सपीरियंस के लिए मैं उम्मीद रखा हूँ और नेशनल गेम में तो जूनियर में वो मेडल पक्का लेके बालासोर के लिए तोहफा लेके आएगा। बालासोर वालों से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, क्या अपील रखना जो चाहेंगे? बालासोर वाले से मेरा दरख्वास्त है, जो बालासोर वाले और मेरे जो कादरी मोहल्ले वाले का सिर्फ सपोर्ट चाहिए और दुआ चाहिए, बस इतना मिल गया तो मेरा बच्चा आगे तरक्की करके जैसा भी आएगा।